हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। पर्सनल इंटरव्यू एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, जहां पे आपका रेज्यूमे स्क्रीनिंग के बाद या ग्रुप डिस्कशन के बाद शॉर्ट लिस्ट होके इस स्टेज पे पहुंचता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे एक इंडिविजुअल की खुद की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। यहाँ पे आप किस तरह अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन के जवाब देते हैं वो मैटर करता है। ये सिचुएशन और भी चैलेंजिंग हो जाती है अगर आप फ्रेशर हैं या आप अपना पहला जॉब इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ कॉमन जो फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो हम आपको बताएंगे, जो कि नॉर्मली किसी भी जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे आप इंटरव्यूअर को ये नहीं बताएंगे कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपकी फेवरेट मूवी या एक्टर, इसके बारे में वो नहीं जानना चाहता। वो आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि वो एनालाइज करना चाहता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो बेस्ट आंसर बनता है इस इंटरव्यू के क्वेश्चन का वो यह बनता है कि आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएं या फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी बता दें, आप उसका स्वीट और एक कॉन्सेंट्रेटेड जवाब बताएंगे जो कि आपकी स्ट्रेंथ को और एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करता है जहां पे आपका डिस्कशन होगा इंटरव्यूअर के साथ में कि आप किस तरह इस जॉब ओपनिंग के लिए सुटेबल है। आप अपने आंसर को इस तरह बताएंगे कि आप अपने स्किल्स को सेल कर रहे हैं, या आप अपने जवाब को इस तरह से पर्सनलाइज करके बताएंगे कि आप अपने स्किल्स और आप इस तरह अपने स्किल्स को सपोर्ट करेंगे कि वो किसी रिलेवेंट में। और इट इज बेटर इफ यू पर्सनलाइज द आंसर, मेक इट इजियर फॉर यू टू सेल योर स्किल्स एंड सपोर्ट देम विथ रिलेवेंट एग्जांपल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है आपकी स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ पे इंटरव्यूअर आपकी स्ट्रेंथ जानना चाहता है, वो आपकी स्किल्स जानना चाहता है कि जो प्रेजेंट जॉब रोल है वहां पे आपकी स्ट्रेंथ किस तरह फिट बैठती है, या उस जॉब रोल को परफॉर्म करते हुए आपके जो स्किल्स हैं वो उन चैलेंजेस को कैसे फेस करती है। तो इसलिए आप थोड़े से कॉशियस होके अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस यहाँ पे बताएंगे। और बेस्ट है अगर आप अपनी स्ट्रेंथ आपकी जो जॉब है उससे रिलेवेंट हो वो शेयर करें तो बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जॉब इंटरव्यू देने गए हैं और वहां पे अगर आप ये बताते हैं कि आप जो है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स या सिस्टम या कंपोनेंट्स के एक्सपर्ट हैं या उसको इवैल्यूएट करने में एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस नजर आता है कि आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए सुटेबल बनते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट आर योर वीकनेस। आपसे आपकी कमी पूछी जाती है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप अपने किसी को वीकनेस बताएं, लेकिन कि आप में कोई वीकनेस नहीं है तो ये आपके एरोगेंट होने का शो करता है। तो आप अपनी वीकनेस इस तरह बताएंगे जो कि आपकी करंट जॉब का जो प्रोफाइल है उस पे इम्पैक्ट ना पड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप अकेले नहीं सो सकते, तो ये एक वीकनेस है, तो आप इस तरह की वीकनेस बता सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर योर हॉबीज। आप अपनी हॉबीज बताएं। अब आप ये सोचिए हॉबीज क्यों जानना चाहता है। एक्चुअली इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका एनर्जी लेवल, और क्या आप कंपनी का जो कल्चर है वहां पे फिट हो पाएंगे या नहीं। तो आप अपनी हॉबी इस तरह बताएंगे जो कि आपकी जॉब प्रोफाइल को कुछ वैल्यू ऐड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहेंगे कि मुझे ट्रैवलिंग करना और लोगों से मिलना बहुत पसंद है, तो ये आपकी जॉब को जस्टिफाई करता है जहाँ पे आपको क्लाइंट से मिलना होगा और मीटिंग करनी होगी।
कुछ जनरल हॉबीज भी आप बता सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स या रीडिंग, जो कि रिफ्लेक्ट करती है आपकी एक्टिवनेस को। फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। अधिकतर हायरिंग जो मैनेजर होते हैं वो बिगनिंग में ये कन्वर्सेशन में अधिकतर पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं। आप उसके बारे में ऑनलाइन उस कंपनी के बारे में पता कर लें कि उसके लेटेस्ट अपडेट क्या है, उनका बिजनेस क्या है और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये आप उसकी थोड़ी तैयारी करके जाएं तो बेहतर रहेगा। इससे इंटरव्यूअर को ये फीलिंग रहती कि हाँ बंदा प्रिपेयर करके आया है, अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में ये जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई वी शुड हायर यू। ये बहुत ही एक ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जहां पर एम्प्लॉयर आपकी एबिलिटी को जानना चाहता है, आपके स्किल्स को और आपकी कन्विंसिंग पावर को वो जानना चाहता है। और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जहां पे जो कैंडिडेट्स है वो उस जॉब के लिए उसकी क्या विलिंगनेस है वो जानने को इसे पता पड़ता है। और बेस्ट आंसर इसके लिए फ्रेशर्स के लिए स्पेशली ये रहता है कि वो अपनी स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ को जो आपका जॉब रोल है उससे मैच करते हुए बताएं। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि आपने किस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल किए थे अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ को मैच करते हुए, और आपने कैसे अपने कॉलेज वगैरह में कुछ असाइनमेंट्स को भी किया था अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद दिस कंपनी। आप इस कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हैं। कंपनीज में अधिकतर यह इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रेशर से अधिकतर पूछा जाता है। एक्चुअली वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाह रहे हैं और आप जिस पोस्ट के लिए वहां पे अपीयर हुए हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसलिए जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाएं तो आप कंपनी के बैकग्राउंड, उसकी वैल्यू, ऑपरेशन, सर्विसेज और जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में मालूम करके जाएं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएट हैं तो अगर आपसे आपकी सैलरी के बारे में पूछा जाए तो काफी एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन इसके लिए बेस्ट अगर आप जवाब चाहें तो आप एटलीस्ट ये पता करके जाएं कि कौन सी रीजनेबल रेंज होगी जो इस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट बैठती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। एक्चुअली जब इंटरव्यू क्लोज होता है तो जॉब इंटरव्यूअर अधिकतर ये चीजें पूछते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये शो करता है कि आप एक कॉन्फिडेंट और एक फोकस्ड पर्सन है जो अपनी जॉब से रिलेटेड सारी क्लैरिटी रखना चाहते हैं। मोस्टली फ्रेशर जो ग्रेजुएट होते हैं वो काफी हेजिटेट होते हैं इंटरव्यूअर से किसी भी तरह क्वेश्चन पूछने में, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप उनसे पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।